एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली बार मैंने आपको थोड़ा बहुत बिजनौर तो दिखाया और आप लोगों को काफ़ी खुशी दी देखी थी, तो मैंने सोचा आज आपको इन डेप्थ क्यों ना दिखाऊं। अभी हम आए पता नहीं डीप कहीं बैक एलीवे वाली मार्केट में, तो यहाँ से हम अम्ब्रेला लेने के लिए आए हैं। तो देखती हूँ मैं कहाँ क्या मिलेगा आज। हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। अब हम जा रहे हैं किरियाने की शॉप में। हमारा प्लम्बर भी आ गया, इसको फोन करता हूं। वेरी गुड, क्योंकि कल मशीन ठीक करने के लिए प्लम्बर नहीं आया था तो अब आ चुका है। और हम जा रहे हैं किरियाने की दुकान में अपने लिए थोड़ी सी दाल और सब्जी भाजी लेने के लिए। क्यों वो आपको अभी तक शायद पता चल गया होगा अगर आपने दूसरा चैनल देखा होगा। नहीं देखा है तो जाके देखिए। कम चलानी आती है मेरे को, पहले तो आती थी। वाह पिताजी, ये इसमें दब तो नहीं जाएगी? नहीं, ये भी छाता भी देखो। बस ठीक है, आगे। हाँ आगे आ जाएगा। 1 किलो खीरा दे दीजिए। सोडा लेने के लिए चंची बनाएंगे। कुछ और लेना? नहीं काफी होना चाहिए। अच्छा मैं क्या कह रही, ये भी ले लो थोड़े बहुत छोटे ड्रिंक्स, ताकि अगर गेस्ट वगैरह आए उनको सर्व करने के लिए आसान रहे। मैं अभी पूरे गाड़ी से चलते हैं। हाँ। पूरी की पूरी पेटी ले आते हैं। फिर तुम लाई नहीं थे जब से मंगा रहे, कब से? चल तो आ जाओ, अभी चलते हैं। हाँ ठीक है। मुझे लगा तुम ये सोडे में यहाँ लगाने वाले, मैं कहा इतना ड्यूरेबल है ये तो तुम सब कुछ यहीं लगा रहे हो? नहीं मैं ज़्यादा भरोसा नहीं है तुम्हें? यहाँ पे लॉक है, लॉक है। अच्छा, मैं कहा ज़्यादा भरोसा नहीं है कहीं इस पे? लॉक होता है। ठीक है। ट्रैफिक ट्रैफिक, मैं छाता ज्यादा टेढ़ा करके पकड़ लूँ, हमारे आसपास कोई नहीं आएगा 1 किलोमीटर तक। मैंने बचपन में स्कूटी चलाई है, अब मैं भूल गया हूँ, वो बात अलग है। अच्छा। चलाने नहीं भूला हूँ, मतलब टीचर भूल गया हूँ। टीचर्स? अच्छा, पहले मेरे पास जब मैं छोटा था स्कूल में स्कूटी होती थी। अच्छा, हम अब वापस जा रहे हैं घर की ओर। और आज तो बहुत ही जल्दी आ गए सुबह सुबह, नहीं तो दिन में बहुत गर्मी हो जाती है। और फिर या तो मैं और मम्मी या फिर मैं और मेरी कोई बहन यहाँ पे गर्मी में तप रहे होते हैं, क्योंकि ये भाई साहब तो आते नहीं है धूप में, इन्हें तो फिर गाड़ी से जाना है। इसलिए आज सुबह ही सुबह ले आई मैं। अब बस घर की ओर चलते हैं, और हो सकता है आज या कल हम ग्रेटर नोएडा चले जाए गुंजन दी के पास। वो कब जाएंगे वो तो अब हमें बाद में पता लगेगा। मैंगो शेक लेने, क्योंकि जो कल आम आए हैं वो अभी 3-4 दिन बाद खोलेंगे, मतलब मैंगो लेना है। हाँ मैंगो ले लेते हैं, आज दो मैंगो उनके लेकर शेक भी बनाना, यहाँ से ले लेते हैं। हाँ क्या बना रही हो? दोनों सास बहू। अच्छा, कोई पूछे ना, मैं चम्मच ले जाती हूँ। ये तेरी सास तुझे हिलने नहीं देगी कहीं भी, देख लेना। अभी 1 ग्राम भी नहीं घटा है मेरा, 100 ग्राम घटा ही होगा। कितने डालूं? 1 चम्मच डाल दे। हाँ ना ना, कमी है। 2-3-4 ग्लास बने लेना। हाँ और ये काली मिर्च, काली मिर्च आधी चम्मच डाल दे, बहुत तेज है मम्मी की काली मिर्च। हाँ डाल दे, और डाल दे थोड़ी सी बस। और शुगर डाल दी, नींबू डाल दिया, नींबू डाल दिया बस। तो फिर अब तो सोडा ही है। थोड़ा सा पानी भी मिला है। मिंट लाई थी, डाल दे फिर इसमें। ये सूंघ रही है मिंट? आई वानी आती ना। रोहिणी कपड़े कपड़े सुखा रही है, क्या बात है। नई मशीन का फुल मजा आ रहा है। चलो गर्मी, हाँ मेरी वीडियो बना दो। जस्ट हम अभी पार्किंग से निकले और अब मैं आपको थोड़ी देर में एक और नज़ारा दिखाऊंगी। क्या? तुम्हारी मम्मी वहाँ से दूसरी साइड को आ जाएगी अभी तुरंत। अच्छा आ जाएगी? हाँ। बाय बाय शानु किन्ने, शानु बाय। देख 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 आ भी गई थी मम्मी। अभी दिखाती हूँ, ये देखिए फिर खड़ी होगी दादियाँ। हाँ आइए वेदा वेदा। हाँ वेदा, बाय कर दो बेटे, बोलो हम आ गए।
बोलो हम आ गए वापिस जल्दी से जाओ। चलो ठीक है, आराम से जाना। ठीक है, ठीक है जी, पांच के फोन करेंगे। जय गुरुदेव। ओके, गाड़ी धीरे धीरे, बहुत धीरे से, 20 की स्पीड में। हाँ ठीक है, सुन लिया, 20 की स्पीड में चलनी चाहिए गाड़ी। ओके बाय बाय। तो चलिए जी, लेके प्रभु का नाम आज के दिन की शुरुआत भी करते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि हम गुंजंदी के पास जाएंगे, तो आज हम गुंजंदी के पास जा रहे हैं उनके लिए खाना लेके, जो करेले बने थे। उन्होंने कहा था मम्मी मेरे लिए ज़रूर बचा देना, तो उनके लिए वो करेले लेके और थोड़ा बहुत मिष्ठान लेके। और अब हम या तो वहीं पहुँच के आपसे बात करेंगे, अगर बीच में हम कहीं ब्रेक लेते हैं तो वहाँ, ताकि क्योंकि अभी वेदा भी जाग रही है, मैं बोलने लगी थी अभी ज्ञाना भी जाग रही है, क्योंकि अभी वेदा भी जाग रही है, अब सो रही थी पर ये जाग गई जैसे हम इसको नीचे लेके आए। तो बस इसे सुला देती हूँ, अगर ये सो गई तो फिर हम बात कंटिन्यू करेंगे। और इसके जो अपडेट है वो ये है कि बाजू के थोड़े से ठीक हुए ही थे, कि इसके गर्दन में जो रैशेज है ना वो पूरा कॉलर जैसा बन गया, क्योंकि एक तरह से बच्चे की गर्दन ऐसी दबी भी रहती है ना, उस कारण भी, और कान के पीछे भी हो गया है। अभी फ़िलहाल हम वही मेडिसिन कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमें दी है, क्योंकि इनका मानना है कि अब बीमारी बाहर निकल रही है, इस वजह से ऐसे हो रहा है, ऐसे ही होता है। हमें तो मैं एक दो दिन देखूंगी, अगर कोई असर नहीं पड़ा तो हम दोबारा से जाएंगे चेक करने के लिए, क्योंकि आजकल में ही हुआ है ये, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और इसके चीक्स के पास वाला थोड़ा सा ठीक हो गया है, पर अभी भी स्किन थोड़ी टेंडर है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं कभी ढंग से रिकवर हो जाए ये, और जैसे ही इसका एक बार सब कुछ सही हो जाएगा हमारी लाडो एकदम प्यारी हो जाएगी। कुछ खाना खा भी सकते हमें थोड़ा सा इधर जाना पड़ेगा, डी रूट 2-3 किलोमीटर 5 मिनट लगेंगे मतलब। हाँ। और हमें मिल जाएगा सबवे, मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स और लापिनोज और KFC। तो कितना टाइम लगेगा अभी हमारे फाइनल डेस्टिनेशन के लिए? 1.5-2 घंटा। थोड़ा सा खा लेते फिर, ताकि वहाँ डिनर ही करेंगे डायरेक्ट फिर। हाँ क्या टाइम होगा अभी? 4-5। हाँ डिनर ही करेंगे, कॉफी ले लेता हूँ मैं तो। ठीक है, तुम्हें जो खाना है मैगडी मोगडी ड्राइव थ्रू ही है, बब्बू ड्राइव थ्रू खा लेना। ठीक है, ओके। 5 मिनट की ड्राइव तो थी नहीं, हम आए कोई 10-15 मिनट दूर, अब यहाँ पे ऑर्डर करेंगे। इतने अरसों बाद कोक फ्रूट देख के मुझे इतनी खुशी हुई ना, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। क्या होता है कोक फ्रूट भाई, हमारे गांव में तो मिलती नहीं है। हमारे गांव में मिलती है ना, कोक के ऊपर आइसक्रीम, तो ये तुम्हारा डिजर्ट भी हो गया और ड्रिंक भी हो गया। पर ये हमारे गांव में ही पी रही हो तुम? हमारा गांव नहीं है, हमारा गांव कुतौली कब से हुआ? थोड़ी सी पास ही है गांव के। नहीं नहीं बहुत दूर है तुम्हारे गांव से। चलो मान लेंगे जी, मान लेंगे, पूरे 40-50 किलोमीटर दूर है तुम्हारे गांव से। चलो पी लो तो फिर, और ये भी दिखा दो ना। मैकडॉनल्ड वो थोड़े तुम्हारे डी टूर की वजह से और बुग्गू खाने की वजह से। अच्छा मैं नहीं खाया वो बर्गर? मैंने तो नहीं खाया। ठीक है, मैंने नहीं खाया बल्कि। चलो ये लगाया ना। नाइस। कौन है वो? ज्ञाना। उम्मीद तो मेरे को भी ज्ञाना की है। देखते हैं। या जीजा जी? हाँ वो तो नहीं आएगी। Your sister, you mean? ज्ञाना तुम बताओ, वेदा तुम बताओ कौन आएगा? दीदी आएगी? अच्छा मम्मी आई है। सुस्वागत है जीजा जी, थैंक यू जीजा जी, थैंक यू।
आइए आइए, फूफा जी को बहुत पसीना आला है, पर कोई बात नहीं, बेटा को ऐसे करके पकड़ लेंगे। हाँ, अरे बस बस मम्मा खाए ज्ञाना। हेलो, क्यों रोया? ये कौन है? मामी और मैं। कौन? मामी और मैं। मामी आई है मैं के पास, इधर मामा आए हैं मैं के पास। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया। और अभी रुको, अभी रुको, अंदर भी है। अच्छा, ऐसे करो, इधर क्या बात है, मेरी तरफ दिखा, ऐसे करो उसको, मामी उड़ गई। अरे मामी उड़ गई, अरे देखते रहे मामी। क्या बढ़िया सनसेट हो रहा है। क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये अपने बच्चों के लिए पिज्जा बना रही है। और तोड़ ताड़ के वापिस ऐसे बना रही है, मेरे जैसे बनाओ, अगर बनाने वरना मत बना। अच्छा, पिज्जा बना रही है बच्चों के लिए। बढ़िया, तुम तो मजे ले रहे हो दोनों। तो तुम बेड बेड पे नहीं बैठना चाहते हो? मैं तो बेड से आती नीचे लटकी। और क्या ना, ये तुम्हारी मम्मी ने जो बनवाया है तुम्हारे लिए इतना बड़ा, ये इसका क्या होगा? इसमें पढ़ती है ऊपर जाके, खूब गहरी पढ़ाई करती है। हां, मेरा बेलन, ये ले ले इसका बेलन। बेलन दिखाना, सीक्रेट टॉपिंग है। आज इधर ये गाना मेरे लिए फुल प्लेट बना के लेके आई है, साथ में कह रही है मैं इसका पानी पी सकती हूं। ये पानी क्या है? आरू का, सॉरी घड़े का, घड़े का पानी, तो पीने लायक पानी। हेलो एंड वेलकम बैक। आई नो मैंने अभी एक दो दिन वीडियो नहीं डाली क्योंकि हम थोड़े से बिजी हो गए थे। कहाँ बिजी हुए? हम आए थे गुंजन दी के पास, जो उस दिन हम इनके दर्शन नहीं करवा पाए क्योंकि नहाने गए हुए थे। राधा ने भी हाई कर दिया, ज्ञाना ने भी हाई कर दिया, और अभी मैं इन सबको लेके जा रही हूँ। कहाँ लेके जा रही हूँ पता है? मुझे ध्यान आया कि मैंने तो सारी शॉपिंग मतलब ऑलमोस्ट अपनी कर ही दी है रोहिणी की शादी के लिए, पर मेरे पास दो और कैंडिडेट भी जो जा रहे हैं साथ में, उनका तो कुछ हुआ नहीं है। तो फिर अब हम यहाँ आए हुए भी थे तो हमने सोचा क्यों ना इसका भी हम फायदा उठाए, और आज हम जा रहे हैं त्यागी जी की शॉपिंग करने। और वेदा का तो पता नहीं कुछ सामान मिलेगा वहाँ कि नहीं, वेदा के लिए तो शायद मैं शिमला से ही कुछ मोस्ट प्रॉब्ली लेने वाली हूँ, नहीं तो इस पास वैसे भी अपने पास बहुत कुछ है सामान। और चलते देखते हम कहाँ जाएंगे और क्या लेने वाले, आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखाती हूँ और शॉपिंग करवाती हूँ अपने साथ। हमारे देश की प्रमुख व्लॉगर हैं, इनको रास्ते पता नहीं है तो ये कह रही हैं सारे प्रमुख मार्ग जो है मिस हो रहे हैं। हाँ, तो मैं इसलिए इनको ही सजेस्ट कर रही हूँ कि देखिए आपके बगल में ये, आप विंडो नीचे करिए मैडम, तभी तो कुछ और अच्छे से दिखेगा लोगों को। नॉर्मल दीवार दिख रही है। हाँ, बस ये हम आपको रेड फोर्ट की बाहरी दीवार दिखा पाएंगे, अंदर नहीं जा, क्योंकि अंदर हम जा ही नहीं पा रहे। और ये देखिए एक बड़ा सा वो आ रहा है, गेट आ रहा है सामने ना रेड फोर्ट का। अच्छा, मतलब कुछ रेड फोर्ट रेड मार्बल का बना हुआ कुछ आइटम है। जा रही है इसके ऊपर ट्रेन, जा रही है। ओहो, ये देखिए तो हमने आपको ये कुछ पीछे छोड़ देगी ब्लॉगिंग में, है ना? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ज्यादा आगे निकल जा रहा, नहीं तुम्हारे कुछ व्यूअर्स ने कहा भी था कि ठीक कर रही है, ठीक कर रही है। नहीं, होशियार हूँ ना मैं, उसे कोई दो राय नहीं है। थैंक यू। देख हमने ना साथ में क्यूट भी हो, काफी लोगों ने कहा ये भी कहा, ये भी कहा। अच्छा बताओ, तुम ये जो जा रही हो शॉपिंग वॉपिंग करने, तो तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है भाई? अपने भाई की शादी अटेंड करने हैं जा रही हो, क्या बात है? बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बताऊं, खुशी है हमें। कोई कारण ऐसा, इतनी खुशी क्यों है? शादियां तो इतनी सारी तो शादियां सबकी मेरे से मिस होगी, जितने मेरे कजन्स की भी इधर हुई, चाहे फिर चाहे शानू की तरफ हुई। हाँ। दोनों साइड की तो हम मिस कर जाते हैं। ये पता नहीं कितने टाइम बाद, मतलब हमने कौन सी शादियां अटेंड की है,
एक रूबी की करी, उसके बाद नैन्सी, उसके बाद हमारी, बस तीन शादियां अटेंड किए मैंने एटलीस्ट 10 सालों में, 3 शादियां की जिसमें से एक मेरी थी। तो ऑफकोर्स ये बात, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि पता क्या होता है ना, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपने आसपास जो भी हमारे रिश्तेदार है या फिर फैमिली मेंबर्स है जो भी है, क्यों, क्योंकि हम उनके साथ ही होते हैं। कभी हमारी तरह देखो जरा क्या हाल होते हैं जब आपको इतनी दूर रहना होता है अकेले सब, और आप सिर्फ वीडियो कॉल में देख पा रहे हो, और वीडियो कॉल में भी ये होता है कि चलो आप एक अप टू सर्टेन एक्सटेंट उसको इवेंट को एंजॉय कर सकते हो, वो पर्सनल वाली फीलिंग नहीं होती है। तो फाइनली अब मैं पर्सनल वाली फीलिंग भी लेने वाली हूँ अभी इस शादी में, जो मैं खाऊंगी वहाँ गा तू। तो इसका मतलब आप मतलब लकी हैं जी 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 कि आपको जो है ना रोनी की शादी अटेंड करने को मिल रही है। बहुत 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 लकी है हम बहुत ही आभारी है कि उन्होंने हमें वो निमंत्रण दिया और हम उस शादी का अब लुफ्त उठाएंगे। मैं तो बस खाने का इंतजार कर रही हूँ, यानी बस खाना ही है क्या जिंदगी में? जीवन ही इतना है दीदी खाने के लिए, फॉर फूड एंड नाउ फॉर वेदा टू। फाइनली हम दुकान में पहुंच चुके हैं, हमें पहुंचते पहुंचते वैसे तो बहुत टाइम लग गया, बट अच्छी बात ये है कि अभी तक दुकान भी खुली है, गुंजन दी भी एग्री कर रहे हैं, और अब हम अपना फाइनली कार्यक्रम शुरू करेंगे, कपड़े देखेंगे। ये आए तो सपोर्ट करने के लिए, पर मुझे लग रहा है हम तो भी अपने लिए कुछ ना कुछ निकाल ही ले गए यहाँ से। हाँ, सपोर्टिंग टीम जो आई है, बाकी अब शुरू करते लेके प्रभु का नाम। ये गाउन्स कितने सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे, वाह, काश मैं पतली होती तो इनमें अच्छी दिखती। हाँ, और है भी बहुत हल्का, ये वाला भी सुंदर है, इसका ये ब्लाउज भी बहुत डिफरेंट है, सुंदर है यहाँ से देखा, बहुत बढ़िया है ना, माय गॉड नहीं अच्छी दिखेगी सही में, नहीं मतलब उस येलो से बेटर वर्जन है ना। हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। कैसा लगा तुम्हें? एक तो चप्पल में तुम्हें पता कैसे लगेगा कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है? नहीं साइज तो बड़ा है, पर मैं ये कह रही हूँ चप्पलों में पता कैसे लग रहा है तुम्हें? पर ये मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा है ये वैसे, यहाँ पे कपड़े कम और भैया ने यहाँ पे खाने का सामान ज्यादा दे दिया है ऐसा क्यों? जूस है, वड़ा पाव है, हाँ पूरी पूरी खातिरदारी हो रही है, खाओ पाओ अच्छे से खाओ, खाऊंगी। नैन्सी ने बड़ी तारीफ करी है वड़ा पाव की, तो खाने पड़ेंगे, डिनर तो हमारा यही हो जाना है फिर। नहीं नहीं नहीं, अगर आप भी रोहिणी में आके रोहिणी की तरह प्रसन्न होना चाहते हैं तो इस स्टोर में पक्का आना। माय गॉड जो कलेक्शन है और जो भैया की सर्विसेज है, साथ लेके जा रही हूँ मैं, मतलब दिल खुश कर दिया आपने, पेट तो हुआ ही हुआ, दिल और खुश हो गया। चलो ठीक है भैया, हेल्दी लगते हैं वीडियो में, जब भी मैंने फोटो देखे। नहीं मेरी अच्छी से वीडियो नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? तुम तो मेरे इतने गंदे एंगल में बनाते हो, उसका क्या, मैं उतनी लग रही हूँ आपको क्या जितनी वीडियो में दिखती हूँ? आप कम लग रहे हो। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, अभी हम चलते हैं, आपको 1 घंटा 14 मिनट है सिर्फ वापस जाने के लिए। आए होंगे हम मेरे ख्याल से 2.5-3 घंटे में आए होंगे। हाँ, पर मुझे ये बताओ किसी को आके कोई रिग्रेट हुआ? नहीं बढ़िया मेरे को तो पसंद आ गया। हाँ बस ये हुआ हमसे, थोड़े लेट हो गए, अगली बार होगा लंच आवर्स के लिए पहुंचना पड़ेगा। नहीं, अगली बार लंच डिनर दोनों टाइम पे रहेंगे। हाँ। तो मैंने पहली बार ऐसी चीज देखी है, हटाहट सैलेड ऐसे है ये पैक होके, और ये अच्छा रेस्टोरेंट है भाई, बहुत ही अच्छा है। एक बटर पनीर, एक पनीर टिक्का, बताओ अभी आधी रात को 1 बजे डिसाइड किया जा रहा है आज क्या खाया जाएगा रात 1 बजे। तुम कौन सा खाओगे? 11 बटर पनीर,